चैनल और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं कार्तिक के लिए फूड बनाऊं, बट यहाँ पे सारा माजरा उल्टा हो गया। कार्तिक जिद पे बैठ गया, कह रहा मैं बनाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और बनाते हैं मेरा फेवरेट फूड, फास्ट फूड। तो मैं यहाँ पे कुछ तैयारी करके रख देती हूँ। कार्तिक गया है ऑफिस और उसके आने से पहले मैं आलू वालू उबाल के रख देती हूँ ताकि उसकी कुछ हेल्प हो जाए, बाकी वो सारा काम वो खुद ही करेगा। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, देखते हैं कि कैसी कुकिंग करते हैं कार्तिक जी। गाइज, कार्तिक तो अभी ऑफिस गया हुआ है इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे हमने आलू को बॉईल करके रखा हुआ है। आलू में मैंने नमक डाल के इसको उबाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको छील कर फोड़ लेंगे। और यहाँ पे हमने हरी सब्जियां रखी हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। सो गाइज, हम इन सबको तब तक तैयार करके रख लेंगे। इन सारी सब्जियों को मैं काट के रख लूंगी। गाइज, हमने अपनी सब्जियों को यहाँ पे कट करके रख लिया है। यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च, प्याज जो टिक्की के लिए हमने रखा है इसलिए हमने इसको थोड़ा बारीक चॉप किया है, और ये लच्छे वाला प्याज काटा है बर्गर के अंदर हमने भरने के लिए, और यहाँ पे टमाटर और ये हरी मिर्च। और अब हमने क्या करना है, हमने आलू को छील के इसको मैश कर लेना है। A few moments later. Hi guys, welcome back. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था कि मेरा फेवरेट खाना स्नेहल में है, तो लेकिन मैंने सोचा कि उसका फेवरेट खाना मैं बना दूं। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। तो स्नेहा का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। इसका किस्सा आपने सुना ही होगा हमारी लव स्टोरी वाले में कि स्नेहा ने कैसे क्या किया था। जिसने नहीं सुना है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लव स्टोरी का लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देखना जिसने नहीं सुना है वो बर्गर वाला किस्सा, क्योंकि आप उसको देखोगे आपको पता चलेगा कि स्नेहा को कितना ज्यादा पसंद है ये बर्गर। तो गाइज, अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, हम बनाने वाले हैं बर्गर। यहाँ पे स्नेहा ने सब कुछ जुगाड़ करके रखा हुआ है। देखो, आलू उसने मैश करके रखे हुए हैं, सब्जियां काट के रखी हुई हैं, प्याज भी सारे। ये अपनी सॉस होगी, ठीक है, ये कौन सी है, ये पिज्जा सॉस है, लेकिन हम बर्गर में घुसा देंगे। ये अपनी क्रीम होगी, ये अपनी मेयोनीज होगी, ठीक है। So guys, ये अपना मसाला है, हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च और ये गर्म मसाला, इसको हम डालेंगे आलू में। फिर आलू को और मैश करेंगे और दबा के मिक्स कर लेते हैं। ये हमने डाल दिया सारा मसाला, ये है चाट मसाला, ये है अपना अमचूर, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे ताकि थोड़ा चटपटा हो जाए, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा चटोरी है ना वो, इसलिए एकदम चटकटा, सॉरी चटपटा, चटकटा निकल गया मुँह से। करेंगे मिक्स। हमने शिमला मिर्च, अब हम डालेंगे प्याज। अरे तुम सारे क्यों आ रहे हो नीचे, तुम ऊपर रहो। बस ये डाल दी सारी हरी मिर्च। और गाइस, अगर स्नेहा ज्यादा कानून करेगी तो उसको मिलेगा नहीं कुछ भी खाने को, मैं अकेला खा लूंगा सारा। खा लेना गाइज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना स्नेहा को कितना ज्यादा पसंद है बर्गर, और कहाँ बैठ के खा रही थी और उसके बर्गर के साथ क्या हुआ था, ठीक है, अब जरूर देखना। सो गाइज, देखो हमारा लड़का कुकिंग कर रहा है। जो लड़कियां आईफोन और गोल्ड और पैसे क्या क्या मांगती है ना, उसका फायदा नहीं है। असली सुख तो देखो इसमें है जब हस्बैंड कुकिंग करके आपको खिलाए। फिर लड़कियां क्या करती है, महंगे महंगे गिफ्ट भी मांग लेती हैं, पैसे भी मांग लेती है, आईफोन भी मांग लेती है, और कहती सोचती है कि कुकिंग करके भी खिलाए उनका हस्बैंड। तो ऐसा नहीं होता है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। सो गाइस, अपना ये मसाला बनके तैयार है टिक्की का, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा। वो ठीक है। ये हमारा टिक्की बनके तैयार हो गया है, अब इसको फ्राई करेंगे। उससे पहले लेकिन हम बर्गर को फ्राई करेंगे। अब आई बर्गर की बारी, अब हम बर्गर को फ्राई करेंगे। सो गाइस, अब हमने अपने बर्गर को फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी और थोड़ा सा बटर।
ये हमारा देसी घी, थोड़ा सा ही बटर। तो गाइस पहली बार कर रहा हूँ, देखो होना प्रोफेशनल की तरह। अब इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो थोड़ी सी शाइन आ गई है इसमें, निक और डाल लेते हैं। गाइस ये हमारा एक बर्गर फ्राई हो चुका है। अब क्रिस्पी हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब ये बर्गर अगर मैं सेल करूँगा तो कम से कम 1000 रुपये का बिकेगा। बर्गर का वो लगा लो फिर रेडी। हाँ रेडी लगा लेंगे, अब वही बेनिफिट है सबसे ज्यादा। रेडी लगा के और इतनी अच्छी से मेयोनीज डालोगे रेडी लगा के आगे स्नेहा सिंह को बिठा देना, ठीक है। ज्यादा ही क्रिस्पी हो गया गाइस, वाओ। बर्गर की रेडी लगा के ना स्नेहा को गले पे बिठा देना है, ठीक है। फिर यहाँ सेल होगी यूट्यूबर स्नेहा सिंह बैठ जाऊंगी, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा कम गोरा हो गया ना, तुम्हारे लिए गैस चूल्हा भी छोटा रखा है आज। तो गाइस देखो ये गैस चूल्हा भी कार्तिक का ही है, ये कुकिंग करता था अपना, चिकन विकन बनाता था जिम के लिए। ये तब का है जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। सो गाइस अब बारी आती है अपनी टिक्की की, जिसको हम तलेंगे इसे रिफाइंड से। तो रिफाइंड डाल लेते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा डल गया, ठीक है। घुमा लेते हैं थोड़ा सा कि कॉर्नर में लग जाए। यहाँ हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम अपनी टिक्की को कॉर्नफ्लोर में घेरेंगे और एक लेयर सी बना लेंगे इसके ऊपर। देखो टिक्की का बाप है ये टिक्की टिक्को। जितनी बड़ी पूड़ी होती है ना उतनी बड़ी हमारी टिक्की है। अब हम टिक्की को डालते हैं इसमें आराम से। लड़का तो कुकिंग में मास्टर हो गया गाइस। हम सोच रहे हैं अब कार्तिक जी का कुकिंग चैनल खोल दिया जाए। गाइस आप क्या कहते हो? गाइस देखो ऐसी ही तो कम बनेगी, लेकिन अगर जैसे डाइट होती है ना डाइट, हाँ। वो वाली ज्यादा बनाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ। पर काफी लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती। नहीं आती तो ना आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। जैसा मैं खाता हूँ ना, जो मेरे को पसंद है, वैसा बहुत कम लोग पसंद करते हैं। पर हम जिस टाइप के होते हैं हमें वैसे लोग मिल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डालो धीरे धीरे पलटेंगे, नहीं तो टूट सकती है। गाइस एक के ऊपर एक टिक्की चढ़ चुकी है यहाँ पे। ये कुछ भी और जब मैं कुकिंग कर रहा होता ना, तो मेरे को किसी के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं होती। सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहा मैं, वो क्या कहते हैं उसको, उंगलीबाजी करना पसंद नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बस आप समझ जाओ। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ गए जी, समझ गए। ये पिज्जा की सॉस है, इसमें सब कुछ होता है, तो मैं इसलिए ये लगा रहा हूँ कि खट्टा मीठा जैसा भी लोगों को पसंद है, अपने आप वो बढ़िया लगेगा सुनने।
ऑल इन वन है ये। अगर हम आपके पास केचप है तो आप केचप भी लगा सकते हो, बट वो सिंगल टेस्ट आता है केचप में ना। इसमें सारे टेस्ट है, इसमें चिली फ्लेक्स भी है और काली मिर्च भी है, ओरिगेनो भी है। अब बारी आती है मेयोनीज की। टूथपेस्ट जैसी लग रही है मेयोनीज। ये हमारी टिक्की रखी गई है बर्गर के ऊपर। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। गाइस हमारा पहला बर्गर बनके तैयार है। सो गाइज यहाँ पे आ गया हमारा बर्गर। अब स्नेहा इसे टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। जल्दी जल्दी खाऊंगी मैं तो। चलो सो गाइज देखो कितना यम्मी दिख रहा है। ओ, डेकोरेशन भी देखो इसकी जरा लड़के की। वाह वाह वाह, क्लैपिंग, वाह क्लैपिंग क्लैपिंग। टिक्की देखो क्या मस्त बनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक बना पाएगा यार। मैं मतलब जितने शब्द बोलू ना कार्तिक की तारीफ में कम है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास मेयोनीज भी है, बट हमने मेयोनीज इसमें अभी इसमें इतना सारा डाला हुआ है, क्रीम भी डाल रखी है हमने, तो इसी से काम चलाएंगे। सो गाइज अब स्नेहा बताएगी खा के कि कैसा है मेरा बर्गर। हाय गाइज वेलकम बैक। और गाइज ये देखो, वाह यार कार्तिक ने कितना, इसको देख के तो पता है मेरे को क्या फीलिंग आ रही है। पकड़ो प्लेट पकड़ो। वाओ वाओ फीलिंग आ रही है गाइस बिल्कुल। ये देखो गाइस सच में यार मैकडी जाने का मुझे फायदा नहीं है। जब भी मुझे बर्गर खाना होगा मैं कार्तिक को बोलूंगी कार्तिक मेरे लिए बर्गर बना देगा। गाइस देखो कितना मस्त बनाया है। कमेंट करके बताना गाइस आपको अच्छा लगा कि नहीं। अब हम टेस्ट करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो मुंह में मेरे अभी भी से पानी आ रहा है। पीछे का रो कैमरा मेरा कुट्टू कुट्टू क्यूटी है मेरा ये क्यूटी। चलो उधर कर दो कैमरा। खा के आप हम बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। सो एक कार्तिक आप भी खाओ। बिखर गया बर्गर। कुछ नहीं बिखरा, मैं इसको सजा लूंगी फिर से। यो सो गाइस चीयर्स आपके लिए पहला बाइट। और इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी चटनी डिप करके सलाद। यम्मी वाह 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 आ हा 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 हा। मजा आ गया, मजा आ गया गाइस सच में मजा आ गया। लॉकडाउन में घर का बना हुआ बर्गर। कार्तिक अगली रेसिपी कौन सी है? अच्छा अच्छा अगली रेसिपी कौन सी है? वो टॉप सीक्रेट है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पहली बार कुकिंग की है। मुझे इतने सारे फूड चैलेंजेस आपने दिए है कि मैं कार्तिक का फेवरेट फूड बना के उसको खिलाऊंगा। यहाँ पे कार्तिक माना नहीं, कहता नहीं मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, तो इसलिए कार्तिक ने बनाया। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी कार्तिक का फेवरेट फूड। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके आपने बताना है कि वीडियो वाकई में आपको कैसी लगी है, क्योंकि इसमें कार्तिक की बहुत मेहनत है। मुझे नहीं लगता कि कोई हस्बैंड इतनी मेहनत करता होगा किसी के लिए। अगर करता होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उनके लिए भी क्लैपिंग मैं करती हूँ, जो जो अपने वाइफ के लिए इतनी मेहनत करते हैं।
सो मैं थैंक यू बोलती हूँ कार्तिक जी को, थैंक यू सो मच, और मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे सच में बहुत खुश हूँ। दुनिया की कोई भी दौलत इतनी खुशी नहीं दे सकती जो आज मेरे हाथ में ये खुशी है। सो गाइज थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने देखा, ते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जरूर जरूर जरूर।